आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग किस से बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाएंगे। तो फर्स्टली वी लुक दिस फिगर, मतलब ये हम डायग्राम देखते हैं पहले, इसमें क्या क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें अगर फ्रंट से सीन करते हैं तो हम लोग का ये जो साइडेड, मतलब हिडन लाइन है, मतलब जो साइडेड लाइन है, ये आपका क्या दिखेगा, फ्रंट से दिखेगा, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक दिखेगा, ये ब्लॉक दिखेगा और ये ब्लॉक दिखेगा, ठीक। और क्या दिखेगा, ये वाला ब्लॉक दिखेगा, ठीक। आपका ये क्या फ्रंट व्यू से दिखेगा, और टॉप से जब देखेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है ये दिखेगा टॉप से, और ये वाला पोर्शन दिखेगा टॉप से। और क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन हमें दिखेगा, ये वाला ब्लॉक दिखेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद से अगर साइड से देखते हैं, मतलब यहां से कोई साइड से सीन करता है तो हम लोग क्या दिखेगा, ये वाला ब्लॉक दिखेगा, फिर ये वाला ब्लॉक दिखेगा। मतलब कि अगर टॉप से देखते हैं तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दिखेगा, अगर साइड व्यू से भी देखते हैं तो हमारा क्या दिखेगा, ये वाला ब्लॉक दिखेगा और ये वाला ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा लेंथ कितना है, 80। यहां से यहां तक की हमारी दूरी कितनी है, 80, ठीक है। विड्थ हमारा कितना है, 60 डिग्री, मतलब कि यहां से यहां तक की विड्थ हमारा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। हाइट, हाइट हम कैसे निकालेंगे, हमारा हाइट यहां से यहां तक कितना है, तो हाइट देखिए यहाँ पे क्या दिया, 12 प्लस 30, मतलब ये क्या हो गया, 12, यहां से यहां तक का हाइट है। और ये क्या है, फ्लैट है, यहां से फिर आपका हाइट क्या होगा, 12 प्लस 30 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42। ये आपका क्या हो गया फिगर का, मतलब फ्रंट से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, और साइड से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, ठीक है। इसका लेंथ, विड्थ और हाइट पता चल गया, ठीक है हमें। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू कितने का बनाएंगे, 80 बाई 42 का क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो 80 क्या है, हमारा लेंथ है, तो यहां से 10 mm छोड़ते हुए यहां पे क्या करेंगे, 80 mm का AC/42 का क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, 42, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, 80/42 का क्या हो गया, ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन करेंगे, ये हमारा कितना है, 80, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 42। अब हम क्या देखते हैं इसमें, ये हमारा क्या है, ब्लॉक 30, 30 का ब्लॉक है। उसके बाद से क्या है, 20 का ब्लॉक है, और ये क्या है, फिर 30 का ब्लॉक है। ये वाला जो 20 का ब्लॉक दिया, ये क्या दिया है, ये स्लॉट दिया है, मतलब कि अंदर कितना गया है, 12 mm, यहां से अंदर क्या दिया, स्लॉट दिया है, ठीक है। उसके बाद से पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां तक 12 mm का क्या एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से मान लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, 12, ठीक। इसके बाद से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, 80/12 का क्या हो गया, ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डार्क करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे, यहां से यहां तक 30, तो ये क्या हो गया हमारा, यहां से यहां तक 30 हो गया। उसके बाद से पॉइंट लेके यहां से यहां तक क्या करेंगे, 20, और फिर यहां से क्या करेंगे, 30। हमारा ये क्या हो गया, ये नीचे वाली लाइन क्या हो गई, तैयार हो गई। अब यहां से 12 mm जो है ये क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, और फिर यहां से यहां तक 30 mm, और फिर यहां से क्या, 20 mm, और ये यहां से क्या हो जाएगा, 30 mm। अब क्या करेंगे कि इसमें
ये वाला ब्लॉक कितने पे है, 30 पे दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे। और ये क्या हुआ है, 20 पे ब्लॉक दिया है, तो 20 पे इसका ब्लॉक बना लेंगे, इसको क्या करेंगे डार्क कर देंगे। अब हमें हमारा ये वाला क्या हुआ पोर्शन बन गया। उसके बाद से हमें क्या बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाना है। ये क्या है, ये वाला इतना पोर्शन क्या दिया, फ्लैट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक क्या दिया है 30, तो यहां पे 30 क्या करेंगे डार्क कर लेंगे। उसके बाद से ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर यहां से यहां तक क्या कितना दिया है 25, मतलब ये वाली लाइन कितनी जाएगी 25। तो क्या करेंगे कि यहां से यहां तक हम पच्चीस, उसके बाद से हमारे यहां से यहां तक कितना आया 25। उसके बाद से ये देखिए यहां से यहां तक 25 का क्या करेंगे लाइन यहां से यहां तक छोड़ेंगे और यहां से क्या करेंगे पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे कितना आया आपका 25, ठीक। तो उसके बाद से क्या करेंगे, यहां से रोलर से रोल करते हुए यहां तक आ जाएंगे और ये क्या है आपका टेपर्ड है, इसको और इससे क्या करेंगे मिला देंगे। ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू तैयार हो गया। और आगे इसका डायमेंशन करेंगे, डायमेंशन ये आपका 80 था, ये क्या हो जाएगा 42, और ये वाला पोर्शन 25, और यहां से यहां तक कितना दिया 25, ये वाला पोर्शन कितना दिया 25। ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू तैयार हो गया। यहां पे क्या करेंगे, फ्रंट व्यू लिख लेंगे, क्या हो गया फ्रंट व्यू तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे वन बाय वन कॉर्नर से, वन बाय वन कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे हम लोग क्या करेंगे इरेज कर देंगे। उसके बाद से एक यहां से प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, ये आपका क्या हो गया प्रोजेक्शन लाइन हो गया। और एक यहां से कॉर्नर हुआ है, इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे ऊपर प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे, क्या करेंगे कि अब हमको टॉप व्यू बनाना है, तो प्रोजेक्शन लाइन हर कॉर्नर से हम लोग क्या लिए है प्रोजेक्शन लाइन लिए है, तो यहां क्या करेंगे एरो ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा एरो हो गया, इस एक्स वाई लाइन से जितना ही हमारा डिस्टेंस है उतना ही ऊपर क्या करेंगे डिस्टेंस छोड़ेंगे 10 mm। उसके बाद से क्या करेंगे 80 बाई 60 का क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया 80, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का क्या होता है बेस सेम होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे 60 का एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया 80 बाई 60 का बॉक्स तैयार हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब टॉप व्यू में हमें क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में हमें ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दिख रहा है। उसके बाद से टॉप व्यू बनाते हैं हम, तो 25 बाई 30 का क्या बनेगा हमारा एक यहां पे ब्लॉक बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30। ये हमारा क्या हो गया 30, ये वाला और कितने का ब्लॉक बन रहा है 25 का। ये हमारा क्या हो गया 25 का ब्लॉक बन रहा है। क्या करेंगे 25 बाई 30 का हमें बॉक्स बनाना है, तो देखते हैं ये क्या हमारा हो जाएगा 30 और ये क्या जाएगा 25। यहां से यहां तक हमारी डिस्टेंस कितना है 25, ये वाला जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा 25। ये क्या करेंगे डार्क कर लेंगे,
ये हमारा क्या हो गया 25 का ब्लॉक हो गया। उसके बाद से अब ये वाला पार्ट बनाना है, तो ये वाला पार्ट हमारा इसी एज का है, मतलब यहां से यहां तक एज का है, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जा रहा है, तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक बन जाएगा टॉप व्यू का। तो यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला स्लॉट देखिए 12 mm क्या गया, अंदर गया यहां से, तो 12 mm अंदर गया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 12 mm यहां से यहां तक 12 mm लेंगे। ये हमारा क्या हो गया 12 mm, इसको क्या करेंगे यहां से यहां तक डार्क कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे इरेज कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये चारों ब्लॉक को क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। ये हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। ये हमारा क्या हुआ, टॉप व्यू तैयार हो गया। इस लाइन को भी डार्क करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू तैयार हो गया। ऊपर हम लोग क्या लिख लेंगे, टॉप व्यू। अब उसके बाद से इसमें कुछ डायमेंशन छूटा था, ये डायमेंशन हम लोग ले लेंगे। ये हमारा कितना था, 60, और ये हमारा कितना था, 30। अब हमारा क्या हुआ, ये टॉप व्यू तैयार हो गया। यहां पे जो कितना एमएम, 12 mm गया था यहां पे अंदर, यहां से यहां तक ये स्लॉट कितना अंदर गया, 12 mm। ये आपका क्या हुआ, टॉप व्यू तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन खींच लेंगे, X1 Y1 लाइन। X1 Y1 यहां पे एरो लगा लेंगे, यहां पे भी एरो लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, मिटरल लाइन खींचेंगे 45 डिग्री पे, इससे यहां तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री में क्या करेंगे, मिटरल लाइन खींचेंगे। अब हर कॉर्नर से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। क्या किया, प्रोजेक्शन लाइन हर कॉर्नर से क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, इस टॉप व्यू से भी और इस फ्रंट व्यू से भी हर कॉर्नर से क्या किया, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू में हमें क्या दिखेगा, यहां से अगर जो साइड व्यू दिखते हैं, यहां से अगर साइड व्यू देखते हैं तो क्या क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा, मतलब कि 60 बाई 12 का क्या दिखेगा, दिखेगा ब्लॉक दिखेगा, और ये 30 बाई 30 का क्या दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, ब्लॉक था, ये वाला ब्लॉक सीधा यहां पे चला आएगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। ये वाली लाइन डार्क कर लेंगे। उसके बाद से ये वाला भी लाइन क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, 60 बाई 12 का ब्लॉक दिख रहा है। तो यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, इसे डार्क कर लेंगे। अब इसमें कुछ छूट रहा है, बताइए क्या छूट रहा है। इसमें ये छूट रहा है कि ये वाली जो स्लॉट है, ये क्या दिखेगा, साइड व्यू से और देखेंगे तो क्या दिखेगा, हिडन दिखेगा। ठीक है, तो हिडन दिखेगा, तो ये क्या है, स्लॉट अंदर की तरफ है, ये कॉर्नर यहां से देखेंगे प्रोजेक्शन लाइन इधर की तरफ आई है और इधर की तरफ आई है नीचे की ओर, इसमें क्या जाएगा, ये हिडन जाएगा। अब आपका क्या होगा, ये लेफ्ट साइड व्यू आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। और यहाँ पे जब थर्ड एंगल में बनाते हैं, मतलब कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाते हैं, इसमें क्या रखते हैं, जीएल, इसको किस पर एक्सटेंड कराते हैं, जीएल पे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जीएल खींच लेंगे। जीएल मीन्स क्या होता है,
ग्राउंड लाइन। अब ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू तैयार हो गया। इस साइड व्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड व्यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए।